लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे महिला ऑर्गेज्म के बारे में, कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑर्गेज्म सेक्स के दौरान प्राप्त होने वाला आनंद को कहा जाता है। जब बातें ऑर्गेज्म की होती हैं तो इस पुरुष प्रधान समाज में महिला के ऑर्गेज्म को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। इसे लेकर कई गलत जानकारियां और मिथक भी फैले हुए हैं। पूर्ण आनंद तक पहुंचने के लिए महिला के कई अंग मदद करते हैं। ये केवल आनंद के लिए ही नहीं बल्कि शरीर को आराम पहुंचाने, तनाव को दूर करने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी अच्छा है। अगर आप भी महिला पूरी तरह से संतुष्ट हो के बारे में नहीं जानते हैं तो अवश्य जानिए। महिला संतुष्टि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं। महिला ऑर्गेज्म कैसे प्राप्त किया जा सकता है? महिलाओं को योनि के माध्यम से सेक्स करने पर ऑर्गेज्म प्राप्त करने में मुश्किल होती है। ऐसे में अन्य तरीके जैसे क्लिटोरियल, ओरल सेक्स, निप्पल प्ले आदि से ऑर्गेज्म पाने में मदद मिलती है। इसलिए यदि आपको ऑर्गेज्म पाने में समस्या हो रही है तो आप विभिन्न प्रकार की यौन क्रियाओं को ट्राई कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सा तरीका सही है, या फिर आप हर तरह का प्ले करके देख सकते हैं किसमें आपको सबसे ज्यादा आनंद आता है। आप कितनी तरह की महिला ऑर्गेन्स के बारे में जानते हैं? तीन तरह के मुख्य महिला ऑर्गेज्म हैं, क्लिटोरियल, वजाइनल और ब्लेंडेड। इनमें से क्लिटोरियल बहुत सामान्य है। लगभग 75% महिलाओं को ऑर्गेज्म तक पहुंचने के लिए क्लिटोरियल स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती है। वजाइनल ऑर्गेज्म का अर्थ है कि महिला बिना क्लिटोरियल स्टिमुलेशन के ऑर्गेज्म तक पहुंच सकती है। हाल ही में एक रिसर्च के मुताबिक वजाइनल ऑर्गेज्म कुछ भी नहीं है, ये एक मिथक है, क्योंकि योनि स्वयं शरीर संरचना की दृष्टि से ऑर्गेज्म तक पहुंचने में असमर्थ है। महिला के अनुभव के मुताबिक वो वजाइनल और क्लिटोरियल ऑर्गेज्म के मेल से अधिक आनंद का अनुभव करती है। ब्लेंडेड ऑर्गेज्म बहुत ही दुर्लभ है और इनका अनुभव केवल कुछ ही लोग कर सकते हैं। इसमें महिला को वजाइनल और क्लिटोरियल दोनों ऑर्गेज्म एक साथ प्राप्त होते हैं। महिला में जी स्पॉट कहाँ होता है? जी स्पॉट को योनि का एक हिस्सा माना जाता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये क्लिटोरियल का ही विस्तार है। ऐसा भी माना जाता है कि ये जी स्पॉट योनि के शुरुआती पॉइंट से अंदर 0.8/1.02 इंच दूर पहली दीवार पर होता है। छूने पर यह एक खुरदरे बटन के समान है और इस पर दबाव डालने से ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे आपका ब्लैडर भरा हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है कि सेक्स के दौरान जी स्पॉट ही
महिलाओं के सेक्सुअल प्लेजर का मुख्य भाग है। हालांकि सेक्स के दौरान इसे ढूंढना मुश्किल है। महिलाओं को ऑर्गेज्म के दौरान शरीर में क्या होता है? ऑर्गेज्म में हमारा दिमाग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसा लगता है कि ऑर्गेज्म का प्रभाव केवल गुप्तांगों पर पड़ता है, लेकिन इसका असर पूरे शरीर पर होता है। ऑर्गेज्म में दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ महिलाएं सोच समझकर ही इसे हासिल कर पाती हैं, जिसमें शारीरिक उत्तेजना बिल्कुल नहीं होती है। दिमाग और गुप्तांग नसों के माध्यम से संचार करते हैं। इस तरह की नसें योनि, गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा को मस्तिष्क से जोड़ती है। यही कारण है कि महिलाओं को क्लिटोरियल ऑर्गेज्म में योनि के ऑर्गेज्म से अलग महसूस होता है। दिमाग केमिकल्स का उत्पादन करता है और जिससे अधिक आनंद महसूस होता है। ऑर्गेज्म के दौरान मस्तिष्क ऑक्सीटोसिन नाम के एक हार्मोन को भी छोड़ता है, जो इंटीमेसी और विश्वास की भावनाओं को लाता है। महिला ऑर्गेज्म और पुरुष ऑर्गेज्म में क्या फर्क होता है? महिला ऑर्गेज्म और पुरुष ऑर्गेज्म के बीच कोई फर्क नहीं है। दोनों के गुप्तांग में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, सांस और हार्ट रेट बढ़ जाते हैं और मांसपेशियों में संकुचन होता है। हाँ, अवधि में वो अलग अलग हो सकते हैं। महिला ऑर्गेज्म कमजोर पर लंबे समय तक रहता है, जबकि पुरुष ऑर्गेज्म की अवधि कम हो सकती है। महिलाओं को आमतौर पर फिर से उत्तेजित होने पर अधिक ऑर्गेज्म का सुख प्राप्त हो सकता है। महिलाएं ऑर्गेज्म कैसे प्राप्त करें? महिलाओं में ऑर्गेज्म प्राप्त करना पुरुषों के मुकाबले अधिक कठिन होता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए अभी तक कोई स्पष्ट तरीके के बारे में पता नहीं लगाया जा सका है। हालांकि निम्न प्रकार के ऑर्गेज्म के बारे में जानकर आपको सेक्स के दौरान काफी मदद मिल सकती है। तो आइए जानते हैं महिलाओं में कितने प्रकार के ऑर्गेज्म होते हैं और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला है क्लिटोरियल। इस प्रकार के ऑर्गेज्म त्वचा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। शरीर की ऊपरी सतह पर उत्तेजना महसूस होने पर मस्तिष्क में हार्मोन का उत्पादन होता है, जिससे ऑर्गेज्म की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा, वजाइनल। वजाइनल ऑर्गेज्म को पेनिट्रेशन की मदद से प्राप्त किया जाता है। योनि में मौजूद बॉल्स पर प्रेशर बढ़ने के कारण ऐसा हो पाता है। तीसरा, एनल। एनल सेक्स के दौरान आपको ऑर्गेज्म की फील आने पर जेंटल की बजाय एनल के पास ऑर्गेज्म महसूस होता है। ऑर्गेज्म में पाने में असमर्थता के कारण क्या हो सकते हैं? एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 33% महिलाएं ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसके कारण दो भागों में बांटा गया है। पहला है साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक कारण। भावनाओं पर अत्यधिक नियंत्रण, आत्मविश्वास की कमी, कुछ गलत करने का डर, गर्भवती होने का डर, पहला यौन अनुभव बुरा होना, मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा, तनाव। शारीरिक कारण, हार्मोनल विकार, तंत्रिका और हृदय प्रणाली में खराबी, दवाएं लेना। ऑर्गेज्म तक ना पहुंच पाने की समस्या को एनोर्गोसिमिया कहा जाता है। एनोर्गोसिमिया का उपचार
समस्या के कारण के अनुसार किया जाता है। कभी कभी नई पोजीशन को ट्राई करने या फोर प्ले पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से भी इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। वजाइनल ऑर्गेज्म पाने की समस्या हो तो क्या करना चाहिए? बहुत सी महिलाएं ऑर्गेज्म तक पहुंचने में समर्थ नहीं होती हैं। कुछ महिलाएं तो पूरी उम्र इस समस्या का सामना करती हैं, तो कुछ लोगों के साथ ऐसा किसी खास पार्टनर या स्थितियों में होता है। कारण और स्थितियां कोई भी हो, लेकिन ये बहुत ही परेशान करने वाला है। तो जानिए ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। कुछ महिलाएं सेक्सुअल स्वास्थ्य के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हो सकता है कि कोई शारीरिक बाधा हो जिसके कारण आप ऑर्गेज्म तक ना पहुंच पा रही हों, यानी पूरी तरह से एंजॉय ना कर पा रही हों, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर। इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अपने पार्टनर से बात करें। सबसे पहले खुद उन कारणों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप फुल एंजॉय नहीं कर पा रही हैं। अपनी सेहत, सेक्स को लेकर के आप क्या सोचती हैं, कैसे सवाल खुद से पूछें। इसके साथ ही अपने पार्टनर से भी बात करें और आपका पार्टनर दोनों इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। हस्तमैथुन, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मास्टरबेशन। कई बार लोग इस वजह से पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुंचे। ऐसे में आप खुद कुछ अकेले में समय निकालें जहां आप रिलैक्स हो सके। हस्तमैथुन ऑर्गेज्म पाने का एक तरीका हो सकता है। इसके लिए आप सेक्स टॉयज का प्रयोग भी कर सकती हैं। कुछ आसान उपायों से भी आप अपनी सेक्स लाइफ सुधार सकती हैं। जैसे अगर आपका वजन अधिक है तो उसे कम करें, अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन ना करें और ड्रग्स भी ना लें। रोजाना योगा एक्सरसाइज करें, खास तौर पर कीगल एक्सरसाइज करें। इसे करने से पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत होती हैं, जो शारीरिक और सेक्सुअल समस्याओं और ऑर्गेज्म का पहुंचने में आपकी मदद कर सकते हैं। कोई भी दवाएं ऐसी लेना बंद ना करें जिसकी सलाह डॉक्टर ना दे, जब तक डॉक्टर खुद उसे लेने से मना ना करे। संतुलित और पौष्टिक आहार लें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, इससे थकान और अन्य समस्याएं हो सकती हैं जो सेक्सुअल स्वास्थ्य और फुल एंजॉयमेंट को प्रभावित कर सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।